ठीक है अब देखो हमें बैठा इससे आगे कोई नहीं आएगा ठीक है हमारे यहाँ सीएनसी मशीन थी एक्चुअली सीएनसी मशीन है एक साथ क्या तो हमारे यहाँ हमारी क्या हमारी हमारे पूरे ऑल इंडिया में धूम मचा रहा है मुझको आर्सिट है इसी कॉन्सेप्ट में तुम बड़े से बड़े प्लेन में टू सीटर प्लेन बना ओके बहुत है बहुत है यहाँ पे एक्चुअली ये हम वर्कशॉप में सिखा रहे हैं इसमें कुछ भी लगा सकते हो मत गुस्सा होते ठीक है हम सर्वो लगाएंगे सर्वो देखो दो सर्वो हम लगाएंगे ठीक है एक विंग में लगाएंगे और एक पीछे कंट्रोल दोनों साइड के अलग रूम्स के अंदर एक ही हाँ तो कभी कभी क्या होता है देखो अलग से हम लोग लगाते हैं ना वो कंट्रोल हाँ जी तो वो एक सर्जिकल प्लेट देना सर्वो में हमेशा छोटी वाली पेंच लगाते हैं ठीक है कभी लगाना तो सर्वो में क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे क्या है बड़ी वाली पेंच लगा के टाइट कर देते हैं जितना टाइट हो जाए वो सोचते हैं बहुत मजबूत हो जाए वो क्या करते हैं इसमें जो सर्वो में गियर लगा वो ना मोटर का इलेक्ट्रॉनिक आने के बाद अपने गियर के पॉइंट पर आके उल्टा कर दो फिर दोबारा में गियर करा चेंज मत करना तो ना नहीं सुबह
भाई मेरे भी नहीं लगाता हूँ मैं। ठीक है सर, इसकी एक प्राइस इसकी कॉस्ट कितनी बनाने लगे? 2500 ये मैंने वर्टिकल दी थी वीडियो बनाने को। उधर जा रहा है। ज्ञानघर सीजन 4 अपने अंतिम चरण में है और एक बार फिर विज्ञान घर के इस सफर में अल्पविराम लगने जा रहा है। इस सीजन में भी हर साल की तरह 20 सदस्य थे। ये 20 सदस्य देश के हर अलग कोने से आए थे, अपने साथ न जाने कितनी उम्मीदें लेकर, कुछ सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए। इन्होंने वास्तव में हमें बहुत कुछ सिखाया और विज्ञान गुरु से न जाने कितनी बातें सीख कर जा रहे हैं। ये सफर रहा कभी आंसुओं से भरा घर को याद करके, तो कभी साथ में बहुत सारी मस्ती, कभी डांट पड़ी तो कभी सबने एक साथ जुट के टीम वर्क और एकता का संदेश दिया। ये सफर रंगीन भरा, एकदम रंगों से भरा रहा। यहाँ सब अलग पर सब एक साथ। ये सफर कैसा रहा ये 20 सदस्य ही अपने शब्दों में बताएंगे। मैं विज्ञान घर का छात्र आशीष कुमार आज आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा जो मुझे विज्ञान घर से प्राप्त हुआ। सबसे पहली चीज, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वहाँ पर ऐसी चीज़ें समाहित है जो आपको एक ग्रामीण परिवेश से जोड़ती है। और जैसा कि इस बार की थीम है कि जो पुरातन संस्कृति है उसको विज्ञान से, जो वर्तमान विज्ञान है उससे कैसे जोड़ा जाए, ये यहाँ पे आके देखने को मिला। यहाँ की जो गतिविधियाँ थी, जो यहाँ का क्रियाकलाप था वो इतना अच्छा रहा कि इससे हमें वास्तव में जानने को मिला कि एक कार्य को करने के लिए उसके क्या क्रम होने चाहिए, किस तरह से हम वो कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रशांत यादव, बदायूं से आया था। और जब विज्ञान घर के बारे में मुझे पहले पता चला, मैं इस चीज़ से अनजान था कि विज्ञान घर क्या है। बस एक इसके नाम विज्ञान से साइंस का पता चलता है और कुछ नहीं। बस जिस दिन, पहले दिन मैंने विज्ञान घर में कदम रखा, मैं ये चीज़ों से बिल्कुल परे था, मतलब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता था कि विज्ञान घर क्या चीज़ है। यहाँ के लोगों से मिलने के बाद पहले दिल में थोड़ी सी धड़कन तेज हुई। मैंने सोचा यहाँ क्या होगा मेरे साथ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई था। फिर धीरे धीरे दिन निकलते गए, हम एक दूसरे में घुलते मिलते गए, फिर हमने अपने बारे में बहुत कुछ जाना, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। फिर मैंने यहाँ पर आकर ये सीखा कि जीत सब कुछ नहीं है, पहली ट्रॉफी सब कुछ नहीं है, यहाँ पर लोगों का प्यार वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने सबसे प्यार पाया है उसके मुझे बहुत खुशी है।
जिंदगी में ये पल कुछ जो मैंने दीपक सर के साथ बिताया और अपने प्रिय दोस्तों के साथ बिताया, ये मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूलने वाला हूँ। ये जो चीजें हमने बुक में और किताबों में पढ़ी थी वो हमने प्रैक्टिकली की और यहाँ पे आके मुझे काफी अच्छा लगा। और जो 10 दिन हमने अपने विज्ञान गुरु के साथ, अपने दोस्तों के साथ, टीचरों के साथ बिताए हैं वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मुझे यहाँ पे आके काफी अच्छा लग रहा है। पहले मैं काफी डरा हुआ था लेकिन अब मेरे काफी दोस्त बन चुके हैं और हमें दुख भी हो रहा है कि अब हम यहाँ से बिछड़ जाएंगे। मेरा नाम स्पर्श है, मैं लखनऊ के SSJD इंटर कॉलेज की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज धीरे धीरे हमारा विज्ञान घर है उसका सेशन खत्म होता जा रहा है और आज हमारा लास्ट डे विज्ञान घर में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहा क्योंकि यहाँ पे जो हमने सीखा वो हमें अपनी डेली लाइफ में नहीं सीखने को मिलता है। और मेनली यहाँ पे मुझे कई सारे फ्रेंड्स भी बनाए जिसमें से मैं लखनऊ की हूँ तो मेरी लैंग्वेज दूसरी है और कई जगह से आए हैं लोग तो उनकी लैंग्वेज दूसरी, जिसकी वजह से जो मेरी लैंग्वेज है बहुत ज्यादा खराब हो गई है और मिक्स हो गई है। और वैसे मेरे बाकी सारे प्रोजेक्ट्स और यहाँ के प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी अच्छे थे और मैंने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जाना जो कि मुझे पता नहीं थे, जिनके मैंने नाम भी नहीं सुने थे। यहाँ विज्ञान घर में आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी और बहुत सारे नए नए टास्क करे और साथों साथ यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त भी बने। कुछ दोस्त तो ऐसे जो सामान मांग लेते हैं पर देते नहीं हैं, जैसे एक दोस्त का नाम है अंश भैया, वो सामान लेते हैं और उनसे थोड़ा सा भी कुछ मांगो तो देने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे भी बने जो बिना मांगे ही सामान दे देते हैं और हेल्प भी बहुत अच्छी करते हैं और साथों साथ वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। और यहाँ पर आकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और आज हमारा आखिरी दिन है। मेरा नाम आरजू है, मैं हरिद्वार उत्तराखंड से आई हूँ। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे बहुत घबराहट और डर लग रहा था, पर दीपक सर ने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे दसवीं मैम ने भी समझाया, जैसे कि मंदी ने भी समझाया। जब स्टार्टिंग में मैं आई थी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट थी, पर अब मुझे ये दुख हो रहा है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा नाम पूजा है और मैं कासगंज से हूँ। मैं यहाँ पे विज्ञान घर पे पहली बार आई थी और यहाँ पे मुझे पहले टाइम तो बहुत हेजिटेशन हुआ था, कुछ टाइम के लिए तो मैं रोना भी आया था, लेकिन बहुत ज्यादा सब लोगों ने मुझे बहुत बोला कि रुक जाओ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अब सब लोगों के संग इतने मिल चुके हैं कि लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। समय की धार मोड़ दो, समय से खुद को जोड़ दो, आएंगे जिंदगी में बहुत सारे कांटे, आएंगे जिंदगी में बहुत सारे रास्ते जो हमें भटकाएंगे, जो हमें डराएंगे, लेकिन जब हमें पता होता है ना कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पहुंचना ही पहुंचना है, तो ये अंधेरा हो चाहे कांटे हो कुछ भी हो वो हमें डरा नहीं सकते, हमें हरा नहीं सकते, हम डरते जाते हैं। बेहद सम्मान के साथ हमारे बीच में विज्ञान घर के आज सीजन 4 के समापन पर आदरणीय डॉक्टर दर्शन लाल अरोड़ा जी, प्राचार्य सत्यकाम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल डॉक्टर लक्ष्मी मिश्रा जी, सम्मानित निर्णायकगण और प्रधानाचार्य जी ऐसी डॉक्टर नारायण शरण जी, मेरे बड़े भाई जी, आज कॉलेज की डॉक्टर फाउंडेशन से रवि जी, गीता जी, सीमा जी जो योगा करा रही थी रोज, आलोक जी साथी हमारे सभी पेरेंट्स जो बच्चों पे आए हुए हैं और प्यारे बच्चे, सुबह से मैं बहुत एक्टिव था और जब मेरे से कहा गया तो बोल गई, मुझे लग रहा है कि मैं क्या बोलूं। 10 दिन खत्म हो रहे हैं, इस 10 दिन के खत्म होने के बाद 10 दिन का रिजल्ट सामने आ रहा है और वो कहानी पूरी जो कल्पना पहले यहां से चौथे घर तक पहुंचे वो सब कहीं आपको सामने एकदम से आ रहा है। और इस विचार घर की जो कल्पना जहां से शुरू हुई वो एक सीनियर IAS थे, उन्हें कभी कभी भूलने मतलब उनके सरकार के प्रमुख सचिव रहे, विज्ञान प्रौद्योगिकी के महानिदेशक
पीजी आईएएस श्री हर सरन दास जी, जो मुरादनगर के पास ही पुराना गांव है वहां के रहने वाले, बाद में पता चला तब तक जो पीजी थे तब तक नहीं पता था मुझे, लेकिन जब वो कार्यक्रम उन्होंने पहली बार मौका दिया करने का, उसके बाद मुझे पता चला कि वो सुराना से है और अभी भी हमारी विज्ञान की गतिविधियों को वो देखते रहते हैं। एक मैगजीन सुन की थी हम लोगों ने विज्ञान नाम करके सीखे, तो हरसन दास जी ऑफिस में लखनऊ फोन करके बोलते हैं कि दीपक जी को, दीपक को बोलिएगा कि वो मैगजीन भेज दिया करें। वो एक अलग बात है कि लॉकडाउन के बाद में वो छपनी बंद हो गई, क्या करें बहुत सारी परिस्थितियां, लेकिन ये जो चौथा विज्ञान घर है इसपे हर पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शायद चौथे विज्ञान घर का जो स्वरूप ये बन के आया जिसने एक माइलस्टोन स्थापित किया अभी तक के पहले तीनों विज्ञान घर के साथ में, अगर सत्यराम इंटरनेशनल स्कूल उसकी बैकग्राउंड में नहीं होता मन से, तो शायद ये विज्ञान घर उस रूप में नहीं स्थापित होता जिस रूप में स्थापित हो गया। इसने एक अपना स्तर स्थापित किया और इस स्तर को स्थापित करने में हमारी जो प्रिंट मीडिया की और खास तौर से मैं जागरण और श्री रवि प्रकाश तिवारी जी और अमित तिवारी जी का योगदान है, मैं उसे कम करके नहीं देख सकता। अखबार अच्छी चीजों को सपोर्ट कितना करता है ये मैंने जीता जागता उदाहरण भी अपनी आंखों के सामने ही देखा, और ये क्षमता भी खुल के बोलने की किसमें है ये भी देखा है। इस विज्ञान घर के समापन कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित विज्ञान गुरु श्री दीपक जी, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के व्यवस्था करने वाले लोग और सारे पार्टिसिपेंट्स बंधु, वास्तव में जब व्यक्ति मन लगाकर काम करता है तो आधा काम तो सोचने से ही पूरा हो जाता है, और अगर हमारी श्रद्धा कम रहती है तो ये समझो कि हमारा काम हुआ ही नहीं। इसे कहते हैं ना कि गांव में कहते हैं रोते गए और मर्दों की खबर पाए। हम घर से चले कि पता नहीं आज मेरा पेपर कैसा होगा, कैसा ठीक होगा कि नहीं होगा, तो मन घर में घबरा गया तो वास्तव में ये समझो कि आधी तो असफलता हो गई। वास्तव में हमें अपने काम में बहुत विश्वास होना चाहिए। गीता में कहा भी है अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। अज्ञान है और अश्रद्धा है। आशीर्वाद हमेशा बना रहे बच्चों पर। हिम्मत कहाँ है? मांडी थैंक यू सो मच सर।
please have a small token of love from all team of Vigyan Ghar Season 4. हमारी सपोर्टिव टीम से जिन्होंने विज्ञान भरी भाषा एक्टिविटीज में सपोर्ट किया, स्थिति ने सीमा आर्या जी योग प्रशिक्षक पतंजलि योग पीठ मेरठ से, जिन्होंने प्रतिदिन योग कराया, बच्चों को शिक्षण दिया है और दर्शन आई को सुनकर वो उनके साथ हामे हामे ला रही थी कि हाँ ऐसे Yuvansh Saxena.
शौर्य सिंह, thank you my dear kids guys for their support.